जिसको भरोसा है, जिसको विश्वास है, जिसका अपने पास अपना कुछ भी नहीं है, जो केवल और केवल शरणागत है, समर्पित है, रमा हुआ है, बसा हुआ है, जिसकी अपनी मर्जी कुछ नहीं है, वही हनुमान है, वही भक्त है, जो राम अनुग्रह में है, जो कृष्ण कृपा में है, जो देव की मर्जी में है, जो इष्ट की उपासना में है, बस वही भक्त है। जो अपने चलाए चलता ही नहीं है, जो अपने लिए चलता ही नहीं, वही भक्त है। जिसमें अपना कहने लायक कुछ बचा ही नहीं है, वही भक्त है। जो योग्य है, जो अनुकूल है, इस शरीर में आ तो गए हैं पर इसको योग्य तो बनाना पड़ेगा, इस संसार में आ तो गए हैं पर इसमें योग्यता तो लानी पड़ेगी। आना बड़ी बात नहीं है, क्यों आए हैं, क्या लक्ष्य है, ये पहचानना बड़ी बात है। परमात्मा बड़े दयालु हैं, किसी न किसी कारण से हमको थोड़ी पात्रता देखकर भी अपनी टीम में शामिल कर लेते हैं, अपनी कथा के पात्र बना लेते हैं, हमको यहाँ बिठा देते हैं। वो दयालु है ना, उनको दयालु कहते हैं। वो हमें दे देते हैं, अकारण भी दे देते हैं कभी कभी, कोई कारण नहीं होता तब भी, लेकिन अब कुछ जो दे दिया है, उसने हाथ पकड़ लिया है, तो अब तो कम से कम अपने भीतर पात्रता खोजनी चाहिए।